हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना शुरू। अपनी मांगों को लेकर के कार्यकारी अभियंता मंडल 2 के कार्यालय परिसर में दिया गया धरना। डीसी रेत पर ठेकेदार के बजाय बैंक के माध्यम से मानदेय दिए जाने की कर रहे हैं मांग। कार्यकारी अभियंता पर तानाशाही का लगा रहे आरोप। जांच की उठाई मांग। 20 जुलाई को डीसी को सौंपेंगे ज्ञापन। आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा से अमर सिंह जानी की यह रिपोर्ट। हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन की ओर से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना व प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यह धरना कार्यकारी अभियंता जन स्वास्थ्य विभाग मंडल के 2 कार्यालय परिसर में दिया जा रहा है। धरने में सैकड़ों की संख्या में फील्ड कर्मचारियों ने भाग लिया है। यूनियन के प्रदेश सचिव कृष्णलाल गुर्जर ने आरोप लगाया कि कार्यकारी अभियंता को 11 जुलाई को मांग पत्र सौंपा गया था, जिसमें सभी कच्चे कर्मचारियों को ठेकेदार के माध्यम की से दी जाने वाली राशि बजाय डीसी रेट पर सीधे बैंक के माध्यम से उन्हें वेतन के रूप में दी जाए। लेकिन कार्यकारी अभियंता ठेकेदारों ने मिलीभगत कर अपने चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचा रहे हैं और ठेकेदार डीसी रेट की बजाय अपने मनमाने तरीके से उन्हें वेतन दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा यह निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि सभी कच्चे कर्मचारियों को डीसी रेट पर बैंकों के माध्यम से वेतन दिया जाए, लेकिन कार्यकारी अभियंता भ्रष्टाचार में संलिप्त है और यह आदेश नहीं मान रहे। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती उनका धरना जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 20 जुलाई को डीसी को ज्ञापन सौंपा जाएगा और यह मांग की जाएगी कि कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करवाई जाए। आप देख रहे हैं पल पल की यह खास रिपोर्ट। दस महामंत्री हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ जो आज का यह धरना अनिश्चितकालीन दिया जा रहा है, यह कार्यकारी अभियंता प्रांतीय मंडल नंबर 2 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक कार्यालय के समक्ष दिया जा रहा है। जो कार्यकारी अभियंता जब से सिरसा के अंदर विराजमान हुए हैं, जब से लेकर आज तक सरकार द्वारा इन कर्मचारियों जो कच्चे कर्मचारी जो ठेकेदार के माध्यम से लगाए हुए हैं, उनकी LOC बजट आता है, उस बजट को लेबर को देने के बजाय ठेकेदारों के अंदर मिली भगत करके उनके अंदर बंडर बात की जाती है। जबकि सरकार का कानून ये है कि जिसकी जो लेबर की LOC आती है उसी को अंदर दिया जाए। कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि डीसी रेट के माध्यम से बैंक के माध्यम से इनके तनख्वाह का भुगतान किया जाए, जो सरकार की प्रमुख अभियंता पंचकुला के द्वारा पत्र जारी किया हुआ है। लेकिन ये अधिकारी जो पूर्व के अंदर एक्शन इसी पोस्ट में बैठे हुए थे, उन्हें एक्शन होने डीसी रेट और बैंक के माध्यम से वेतन का भुगतान किया है। लेकिन इस भ्रष्ट अधिकारी ने LOC को खुर्द बुर्द करने के लिए इन कर्मचारियों को मात्र 7,000, 8,000, 2,000 ऐसे पेमेंट का भुगतान किया जा रहा है, जिसके खिलाफ हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन लामबंद होकर इसके भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। जिसके ये पुनः चेतावनी देते हैं कार्यकारी अभियंता को। यह भी सुनने में आया कि छुट्टी लेके भागा, कितने दिन बकरी माँ खैर बनाएगी। जब इसके अलावा कल DC साहब से मिला जाएगा, यूनियन का शीर्ष मंडल DC को भी अवगत कराएगा, प्रमुख अभियंता पंचकुला के भी जाके अवगत कराएगा कि आपकी सरकार द्वारा वेतन का भुगतान आप द्वारा भेजा जाता है डीसी रेट के माध्यम से, लेकिन ये अधिकारी डीसी रेट ना देके अपनी मन मर्जी से देता है और ठेकेदारों को भारी भरकम नजराना लेकर उन ठेकेदारों को पेमेंट की गई, इसकी जांच कराई जाए, इनके कागज बोलते हैं के खिलाफ उस सत्रीय कमेटी बनाकर जांच की जाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और कर्मचारियों को जब तक डीसी रेट बैंक के माध्यम से नहीं दिया जाएगा, धरना खत्म नहीं होगा, चाहे कितनी भी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े।